नमस्कार दोस्तों, अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। कल पूरा अलीराजपुर शहर या कहें पूरा जिला उस समय अचानक शॉक्ड हो गया जब शाम को पुलिस ने एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें खुलासा किया कि शहर के एक बड़े कारोबारी सेलू राठौड़ बच्चों को इधर से उधर बेचने यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में लिप्त हैं। सनसनी फैल गई शहर में, कई लोगों को इसका भरोसा नहीं हुआ। जिन लोगों को भरोसा नहीं हुआ, एक बात प्रथम बार सुनने पे उसमें मैं भी शामिल था, लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद एसपी कर रहे थे और तथ्यों के साथ वो बात कर रहे थे, इसलिए खबर हमने भी की। इसके कुछ पहलू हैं जिस पे आज चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ हूं। आईपीसी की धारा 363 यानी कि अपहरण और 370 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 81 के तहत सेलू राठौड़ और उनके चार साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इस समय सूचना है कि पुलिस अलीराजपुर की सीजीएम कोर्ट में लेकर पहुंची है उन्हें और पुलिस रिमांड की मांग की है ताकि पूछताछ कर ये जान सके कि ये गैंग आखिर कितना बड़ा है, कहां तक इन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, कितने बच्चे इसमें खरीद फरोख्त में शामिल रहे हैं। ये पुलिस रिमांड से चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन इस पूरे मसले पे दो तीन पहलू हैं जिस पे मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। पहला मसला ये है कि आप जब अचानक से सुनेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, आपके मन में एक डर पैदा होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आप और ज़्यादा डर जाएंगे, खासकर माओ को काफ़ी डर लगेगा। लेकिन इसके दो पहलू होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग दो तरीके से होती है, खासकर बच्चों की जो खरीद फरोख्त है, बेचने का कारोबार है, इनके उद्देश्य क्या है? क्योंकि भारत का कानून ये बोलता है इंटेंशन इज मोस्ट, दुर्भावना क्या है आपकी उस अपराध के पीछे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों की खरीद फरोख्त के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है बच्चों को खरीदना बेचना सिर्फ इसलिए ताकि उनके अंगों को निकालकर, उनकी किडनी, लीवर, आँखें, कई ऐसे ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी के जो काफ़ी महंगे दामों पर बिकते हैं। तो हिंदुस्तान में, भारत में ऐसे कई बच्चे हैं जो अपहरण करके इधर से उधर देश के दूसरे हिस्सों में ले जाए जाते हैं और एक संगठित गिरोह काम करता है जो उनके ऑर्गन्स जो होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनको निकाल कर सेलिंग का काम करता है। दूसरा उद्देश्य होता है बच्चों को भीख मंगवाना। कई ऐसे महानगर हैं जहाँ पर बच्चों को लाकर उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, अंग भंग कर दिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। और तीसरा ये भी सुनने में आता है कि उनको कई बार अरब देशों में भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ताकि जो शेख हैं वो अपने जो कुछ क्रूर शौक होते हैं, जैसे कि ऊँटों की दौड़ होती है, हालांकि अब काफ़ी कम हो गई है, उन ऊँटों की दौड़ में बच्चों को पीछे बांध दिया जाता है। अमूमन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से बच्चे ले जाए जाते हैं और जब बच्चा चीखता है तो ऊँट और तेजी से भागता है और शेखों को इसमें आनंद आता है। तो ये क्रूर परंपरा थी जो धीरे धीरे अरब देशों में खत्म सी हो गई है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बच्चे बेचे जाते हैं। तो एक तो ये उद्देश्य होता है कि बच्चों को विदेशों में बेचना, उनके ऑर्गन निकालना, बच्चों को मार के या उनको अपाहिज बना देना। और दूसरा उद्देश्य होता है कि जो निसंतान दंपत्ति हैं, जिनके घर में कोई चिराग नहीं है, कोई संभावना नहीं है, उन्हें एक बच्चा उपलब्ध करा देना ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। तो यहाँ पर जो सेलू राठौड़ हैं अलीराजपुर के व्यापारी, वो मुझे लगता है कि इस कारोबार में शामिल रहे हैं। अब इसे हम कारोबार कहें, उनका इंटेंशन क्या था, ये तो पुलिस की जांच में खुलासा होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कॉर्नर, आपको लग सकता है कि सेलू राठौड़ के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर में दिखा रहा हूँ, लेकिन जो सेकंड वाला जो क्रूर हिस्सा है उसमें कम से कम सेलू राठौड़ शामिल नहीं था, ये अभी तक की पुलिस की जांच में स्पष्ट हो गया है।
जो हमारे सोर्स हैं पुलिस में वो बता रहे हैं कि 10 से 11 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है पुलिस ने, जिन्हें सेलू राठौड़ के जरिए यहाँ वहाँ सेल किया गया था। उद्देश्य था निसंतान दंपतियों के घर में किलकारी गूंजे, क्योंकि वो निसंतान थे बच्चों की। लेकिन तरीका गलत है, मुद्दा है तरीका है। तरीका क्या सही था? अगर सेलू राठौड़ इसमें इन्वॉल्व थे कि किसी निसंतान दंपत्ति के घर में का घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे, तो क्या तरीका सही था? तरीका यही होना चाहिए था, क्योंकि इसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर हमें जाना होगा। दरअसल पहले आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया क्या। पहला तो ये था कि बच्चों को अगर आप किसी के यहाँ अडॉप्ट करवा रहे हैं तो ये लेन देन कैसा? कल अगर जो 1,40,000 की बात सामने आई है तो वो गड़बड़ है। ये लेन देन यकीन शायद आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े कारोबारी हैं सेलू राठौड़, और जिस तरीके से उनका एक रसूख है आर्थिक और कारोबार की दुनिया में, उसमें पैसों के लिए बच्चों का लेन देन, बच्चों को बेचने का खेल या किसी को गोद देने का खेल, लेकिन पैसे लेके, तो ये थोड़ा शॉकिंग है, सभी के लिए शॉकिंग है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, वो क्या है। 2015-16 तक आपने देखा होगा कि किसी को भी बच्चा दे दिया, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लिया, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर लिया, प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए बकायदा कानून बने हुए हैं। कारा नाम का एक कानून, एक एजेंसी है भारत सरकार की, उसके जरिए ही आप सारे एडॉप्शन कर सकते हैं, बच्चों को गोद ले सकते हैं। उस प्रक्रिया के बगैर आप बच्चा गोद लेते हैं और कोई बच्चा आपको गोद, या तो बच्चा देता है या आप बच्चा लेते हैं, चाहे उसमें आर्थिक लेन देन हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो लेने वाला भी अपराधी है और देने वाला भी अपराधी है। ये कारा सिस्टम के जरिए ही संभव है। दरअसल प्रक्रिया ये होती है कि चाहे अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, बड़वानी, धार हो, कहीं भी कोई बच्चा मिलता है, लावारिस स्थिति में मिलता है या किसी को देना है, तो उसकी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस से गुजर के ऑनलाइन आवेदन करके ही ये संभव है, और इसमें भी कड़े नियम है। जो सक्षम दंपत्ति होंगे, जो उस बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, संवार सकते हैं, प्राथमिकता के आधार पर कर सकते हैं, उसे ही बच्चा दिया जाएगा। और अगर कोई सिंगल मेल पर्सन अगर चाहे कि वो फीमेल बच्चे को गोद ले ले, तो कानूनन वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर फीमेल कोई चाहती है, महिला कोई चाहती है कि वो किसी लड़के को गोद ले ले, तो वो संभव है। तो ये नए कानून बना दिए गए हैं, और इन कानून की प्रक्रिया के बगैर अगर आप गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, खरीदते हैं, कहीं से मैनेज करते हैं, तो ये सारा जो प्रक्रिया है वो अवैध है, शून्य है, गैर कानूनी है। आप पे कार्रवाई हो सकती है, शिकायत अगर कहीं होगी तो आप जेल भी जा सकते हैं। इस तरीके के कानून बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि जो 11 बच्चों के आरोप सेलू राठौड़ पर लग रहे हैं, तो हमारे जो सोर्स हैं पुलिस में वो बता रहे हैं कि 4 से 5 बच्चे पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनमें से 1-2 बच्चों को डिटेक्ट भी किया गया है। अब सवाल ये है कि जो पुलिस रिमांड पुलिस को अगर मिल गया, तो पूछताछ में वो और भी कई खुलासे कर सकते हैं, अगर कुछ होगा तो खुलासे करेंगे। सवाल ये है कि जिन लोगों ने सेलू राठौड़ एक पक्ष हो गए कि उन पे आरोप है कि वो पैसा लेकर बच्चों की खरीदी बिक्री करते थे, सवाल जांच में ये भी है कि क्या वो उस बच्चे के माँ बाप की सहमति से ऐसा करते थे? वो बच्चे आते कहाँ से थे? क्या वो किडनैप करके लाए जाते थे या माँ बाप की सहमति से उनके पास आते थे? ये भी पुलिस की जांच का विषय है। लेन देन होता था, किस तरीके से होता था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन जिन लोगों को बच्चे बेचे जा चुके हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस की जांच में, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उस दिशा में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहें तो आप
चैनल पर जाकर जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे पुश करिए, पास में एक आपको बेल या घंटी आएगी उसे पुश करिए, पुश करते ही आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा, आप सीधे हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। ताज़ा तरीन खबरें और इस केस के सही तरीन राजपुर जिले की सभी राजनीतिक खबरों के लिए, अपराध की खबरों के लिए और वो खबरों के लिए जो आपको शायद कहीं और नहीं मिले, आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर झाबुआ अलीराजपुर लाइव के साथ। धन्यवाद।